दिल बोला तो बोलेगा रहने दो जी, भेद ये सारे खोलेगा रहने दो जी। मालिक बना है नौकर आज, नौकर का है घर मेरा, जोर ये सीना जोर बना, इच्छा जी का मोर बना। घर वाली नाराज हुई तो घर घर में हड़ताल हुई, प्यार की मीठी बातों में जांच हुई पड़ताल हुई। घर घर की इन बातों को पर्दे में ही रहने दो, रहने दो जी, रहने दो जी, रहने दो जी, और रहने दो जी। हाँ तो पंडित जी, कैसा है इसका हाथ? हाथ तो बड़ा मुलायम मजबूत, और जिस किसी पर पड़ जाए वो पानी नहीं मांगे। बस बस, अब उसकी शादी के बारे में बताइए, आप कहाँ होगी, कैसी होगी और किससे होगी, ये बताइए मुझे आप। शादी तो जरूर होगी, लेकिन लेकिन क्या? कुछ बहुत गड़बड़ है इसमें। कैसी गड़बड़? ग्रहों की गड़बड़। सभी ग्रह अपने अपने स्थान छोड़कर दूसरों के घरों में घुस गए हैं। राहु और केतु वृक दृष्टि से सोम और मंगल को देख रहे हैं, हैं? रवि और शनि आपस में दुश्मन बने हुए। ओह माय गॉड, इतनी छोटी सी कुंडली में ग्रहों की महाभारत चल रही है। अरे ये कुंडली तो कुछ भी नहीं कंचन बेटी, मैंने तो इससे भी भयंकर कुंडलियां देखी है क्या पूछो मत। अरे शादी की बात तो दूर रही, मैंने बर्बादी के बारातें देखी है। लेकिन इसकी कुंडली तो इतनी भयंकर नहीं ना? नहीं नहीं, भयंकर तो नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दीजिए। अब मुझे कौन सा ऐसे घर में बिठाकर इसका अचार डालना है? अरे कौन सा अचार, किसका अचार, कौन लाया अचार? ज्योतिषी, आपने अचार का साइड बिजनेस शुरू है क्या? जीजा जी, यहाँ तो मेरी शादी का अचार डाला जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया, शादी का अचार। लेकिन हमारी साली साहिबा तो किसी ओलंपिक्स चैंपियन के साथ शादी करेगी, क्यों? इसकी कुंडली से तो ऐसे पता चलता है कि इसकी शादी किसी डरपोक आदमी से होगी, और वो भी लव मैरिज। आपका मतलब है मैं किसी डरपोक आदमी से शादी करूंगी? इम्पॉसिबल। कंचन बेटी, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, समझी? और बताइए इसकी कुंडली में क्या लिखा है? अरे लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मजेदार बात लिखी है। मजेदार बात? अरे जल्दी बताइए। एक नौजवान घबराया हुआ हाथ में थैली लिए हुए घर में दाखिल होगा, वही इसका पति होगा। बता दो। अरे क्या हुआ, तुम्हारे पीछे शेर पड़ी क्या? शेर से नहीं, मैं डरता हूँ, कुत्ते से डरता हूँ। वो कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। याद कीजिए अभी मैंने क्या कहा था। एक नौजवान घबराया हुआ दौड़ता हुआ हाथ में थैली लिए हुए घर में दाखिल होगा, वही इसका पति होगा। ये देख लीजिए, करवा दीजिए इसके साथ शादी। ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलता। क्या बक रहे, आपका दिमाग तो ठीक है? क्यों साहब, ये गरीब है इसलिए? पंडित जी ये तुम्हारा नौकर है, नौकर श्यामू, समझे आप? अरे आपका पति भी तो नौकर है। क्या जी? मेरा मतलब आप नौकरी करते हैं, हर नौकरी करने वाला नौकर होता है। पंडित जी आप महान हैं, जो मैं आज तक सत्य नहीं कह पाया ना वो आपने कह दिया। आपके चरण कमल कहाँ हैं? चुप है। क्या बकता है। देखिए पंडित जी, जी 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 जी, इसके पहले कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आप यहाँ से समझ गया। और ये भी लेते जाइए। नमस्कार नमस्कार, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैंने कहा वो सत्य है, ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलता। क्या बताओ कैसी लग रही हूँ? वैसे ड्रेस तो मैंने तुम्हारी पसंद की पहन रखा है। कांचन, कांचन, ओहो तू यहाँ बैठी है। ओहो क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है दीदी। देख हमसे मत छुपा, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। ओहो कहा ना, कुछ भी तो नहीं। देख मुझसे मत छुपा, बता कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? इन सभी सवालों का फिलहाल मेरे पास एक ही जवाब है, मोंटू। ओहो वाह क्या बात है, लगता तो बहुत हैंडसम है लेकिन थोड़ा दब्बू सा लगता है, पर मान गए तेरी पसंद को। आप फिर बहन किसकी हो? क्योरी, तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी। खिलाफ तो थी, मगर तुम्हें ज्योतिषी का कहना याद है ना? इसका मतलब उसका कहना सच होने लगा शायद। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। एक बात तो बता, मैं लग कैसी रही हूँ? भाई आज तो मोंटू साहब की खैर नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। पूरे 3 घंटे लगे हैं इस मेकअप को। अच्छा मैं चलती हूँ।
बाय बाय दीदी, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्या बात है? कुछ नहीं, खाना खा रही हूँ। चपाती पानी में डुबो कर। पता नहीं आजकल कांचन को हो क्या गया है, पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। तबीयत तो ठीक है? हाँ, खाना खा रही हूँ। और क्या? ओ, मैंने प्यार किया तो क्या कोई जुल्म किया? दीदी एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करेगी? अरे अब तू बच्ची थोड़ी है, बोल क्या बात है। मैं माउंटी से शादी करना चाहती हूँ। तो हम कब मना कर रहे हैं? एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तेरी शादी करवा देंगे बस। मगर एक मुश्किल है दीदी। क्या? अब क्या बताऊं दीदी, वो चाहते हैं कि उनकी बहू जानवरों की डॉक्टर हो। जानवरों की डॉक्टर? क्यों? उनके घर में 10 घोड़े, 10 बिल्लियां, खरगोश और एक गधा भी है। ओहो, कहीं वो गधा असली है? वो मोंटो को गधा कहते हैं। मजाक छोड़ो दीदी, पूरी सर्कस है घर में। मेरे को लगता है कि मोंटो के पिताजी कहीं शिकारी तो नहीं है। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा बंदूक लेकर घूमते हैं हाथ में, बहुत ही गुस्से वाले हैं। तब तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर तू ही बता दीदी, मैं क्या करूं? तू जानवरों की डॉक्टर बन जा। ये बहुत मुश्किल है। तो फिर मोंटो को छोड़ दे। ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो फिर डटकर मुकाबला कर। पर कैसे? तुम दोनों भाग जाओ। कंचन, कंचन, जहाँ जानवर ज्यादा रहते हो आदमी कम। लेकिन तुम रहोगे कहाँ? क्यों, आपका घर मेरा घर नहीं है क्या? हाँ वो तो है, लेकिन 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 कुछ नहीं दीदी, जब तक इसके पिताजी मान नहीं जाते ये यहीं रहेगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू दीदी। वैसे मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन पिताजी पिताजी हमेशा बंदूक लेके घूमते रहते हैं ना, मुझे जानवर समझ के कहीं मार डाला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ चाय पियोगे या ठंडा? नींबू पानी। कोई है क्या? पिताजी पिताजी हाथ में बंदूक होगी, मुझे मार डालेंगे, मुझे कहीं छुपा दीजिए, मुझे कहीं छुपा दीजिए। अच्छा चलो। कोई है क्या? कंचन तुम कहाँ जा रही हो? अरे ऊंचा सुनते हो क्या? हम तीनों में से श्रीमती सरला श्रीवास्तव कौन है? जी मैं हूँ। अरे वाह, आप तो सुन भी सकती है? फिर लगातार 5 मिनट से मैं आपके दरवाजे की बेल मार रहा था, वो आपने नहीं सुना क्या? जी नहीं, जी नहीं, क्योंकि हम किचन में थे और कुकर की सीढ़ी। ठीक है ठीक है ठीक है, पहचाना मुझे? पहचाना आपने? मैं उस गधे का बाप हूँ जिससे आपकी बहन प्यार करती है। हाँ। मुझे मालूम है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे भी मालूम है, वो इसलिए वो घर छोड़ के चला गया ना, मैं सीधे यहाँ आया हूँ। वो यहाँ ही आया होगा और आप लोगों ने उसे कहीं छुपाया होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम, वो यहीं आया होगा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मुझे तलाशी लेनी है, कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ मर गया, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं आए। तुम चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो, समझे? मोंटो गधे का बच्चा कहाँ मरा है वो? ओह तो बरखुदार यहाँ सोए हुए है। अरे उठ बे नालायक। जी आप किसे नालायक कह रहे हैं? इसे, ये आपका बेटा नहीं है, ये तो मेरे वो है मिस्टर श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, ऐसे क्यों सोए हुए हैं? ऐसे मतलब अपने घर में अपने बेडरूम में कोई भी आदमी कैसे सो सकता है? फिर भी पूरे चादर में लपेटे हुए। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से कंपा रहे हैं, इसलिए से दौड़ के सो रहे हैं। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? टेक केयर ओके, और देखिए इसे घूमने फिरने मत दीजिएगा। घूमने फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब आप यहाँ हैं। मतलब? मतलब बंदूक से बहुत डरते हैं। बंदूक? अरे ये मेरा दुश्मन थोड़े ही है। वैसे मेरा दुश्मन तो मेरा अपना बेटा है, भाग गया है, आएगा यहीं पर, आएगा जाएगा कहाँ? ये मार्शल कौन है?
जी ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। कमाल है, भाई की तस्वीर को ऐसे थोड़े लगाते हैं। अरे यहाँ पर तो आपके बीमार पति की तस्वीर होनी चाहिए। जाने दीजिए, आपका घर है, आप कहीं कुछ भी लगा सकते हैं। जी बादी की उनकी तस्वीर मैंने बनाने को दी है। ठीक है ठीक है, मैं अपने उस नालायक बेटे की थोड़ी देर यहाँ राह देख सकता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन दीदी तुमने जीजाजी को भाई क्यों बनाया? तो क्या करती, पहले ही उनके बीमार होने का बहाना जो कर लिया, अब तो दीपक का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, वो किसी वक्त यहाँ आ सकता है। लगता है वो मुझे या तुम्हें गोली मार के ही जाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन जीजाजी से क्या कहोगी, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि इस घर में क्या हो रहा है। लगता है दीपक आ गया। सुन, अब वो जैसे है उसे सब कुछ इशारों इशारों में समझाना पड़ेगा, और उसे यहीं रोक देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, समझी? साहब आ गए, साहब आ गए। कौन आया? अरे पता है क्या हुआ ऑफिस में आज डार्लिंग? मैंने एक आदमी को बहुत जोर से डांटा और वो कहने लगा यहाँ तो खूब रौब जमाते हो, घर में बीवी के सामने भीगी बिल्ली बनते हो। मैंने कहा जा बे जा, घर में बीवी के सामने मैं तो शेर हूँ शेर। वो इनसे मिलो, ये है मोंटो के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है आपके बड़े भाई साहब, मैं तो देखते ही पहचान गया। बड़े भाई साहब, ये आप क्या हुआ? वो इन्हें कभी कभी मोच आ जाती है। खड़े खड़े, वो इन्हें मोच की बीमारी जो है। मोच की बीमारी? अरे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमने ही पहली बार सुनी है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि होती है किसी किसी घराने में। क्यों भाई साहब? हाँ मैंने भी पहली बार सुनी है, लेकिन ये भाई साहब का चक्कर क्या है? बड़े भाई को भाई साहब न कहे तो और क्या कहें? ये तुम क्या कह रही हो? वो आप अंदर जाकर उनकी तबीयत नहीं पूछेंगे क्या? उनकी तबीयत? कौन बीमार कौन है? मेरे जीजाजी बहुत बीमार है। अच्छा तुम्हारे जीजाजी बहुत बीमार है, तो मैं कौन हूँ? अब आप सवाल ही करते रहेंगे, अंदर जाके तबीयत भी पूछेंगे। जाइए जाइए अंदर जाइए, इनके पति बहुत बीमार हैं। इनके पति? हाँ। अब आप अंदर भी आइए ना, सब पता चल जाएगा। पहले आप अंदर तो आइए, सब पता चल जाएगा। क्या तमाशा हो रहा है? सब समझाती हूँ। पहले वादा कीजिए। क्या? आप इस नाटक को जारी रखेंगे। इस नाटक को? घूम फिर क्यों रहे? बैठी ना बैठी। मेरे नालायक बेटे ने मेरा उठना बैठना हराम करके रखा है, फिर भी बैठ जाता हूँ। अरे छोड़िए भी, आज कल के लड़के को तो आप जानते ही हैं, वो हमारे बस में कैसे रह सकते हैं। अरे देखिए मेरी बहन को देखिए, इसने भी तो लव मैरिज की थी। मैं खिलाफ था, मैं भी बंदूक लेके गया था उसे मारने के लिए, लेकिन उसका पति तो देवता निकला, देवता। और आपने जिनसे शादी की है वो भी देवी हैं, पतिव्रता हैं। शायद। लेकिन मेरी होने वाली बहू देवी और पतिव्रता के साथ साथ जानवरों की डॉक्टर भी होनी चाहिए। देवी, पतिव्रता और जानवरों की डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ बंदूक लेके आया हूँ, मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। लेकिन आपका लड़का अगर मेरी साली मतलब मेरी बहन है, दोनों बालिग हैं, जब चाहे शादी कर सकते हैं, आप उनकी शादी कानूनन नहीं रोक सकते। अरे दोनों को गोली से उड़ा तो सकता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, लाइसेंस टू किल। आप खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हैं? और आप दोनों भाई बहन क्या समझते हैं, मुझे शादी करवाने पर मजबूर करेंगे? सरला, ओ सरला। अच्छा हुआ आप दोनों इकट्ठे मिल गए। सरला तुम तो जानती हो कल हमारी सोसाइटी की सार्वजनिक सत्यनारायण की महापूजा है। हाँ, और ये भी जानते हैं कि पूजा करने के लिए आप और अपने पति बैठने वाले हैं। लेकिन मैं तो ये बताने आई हूँ कि मेरे पतिदेव अचानक बीमार पड़ गए हैं और हम पूजा में नहीं बैठ रहे, इसलिए मेहरबानी हो अगर आप दोनों पति पत्नी पूजा में बैठे, क्योंकि तुम तो जानती हो पूजा में पति पत्नी का बैठना बहुत जरूरी होता है ना। मतलब ये दोनों पति पत्नी है? जी हाँ बिल्कुल। ये छुपा है वो इनका पति है। जी हाँ। और अंदर सोया है वो मेरा बेटा है मोंटो। You're